धर्मांतरण के मामले को लेकर जशपुर में विवाद हुआ है और इस पूरे धर्मांतरण के मामले में चर्च के फादर पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। मनोरा विकास खंड के आजाद चर्च का यह पूरा मामला है, अजिदा चर्च। मनोरा विकास खंड के अजिदा चर्च का यह मामला है। यहां पर भुइयर समाज के 7 परिवारों ने शिकायत की है कि भुइयर समाज के लोगों का गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है। अजिदा चर्च के फादर पर धर्मांतरण करने का आरोप लगाया गया है और इस पूरे मामले पर भुइया समाज के लोगों ने कलेक्टर और एसपी को एक ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी है कि अगर जांच नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा भुइया समाज उग्र आंदोलन करेगा। हमारे भुइया समाज में ईसाई समाज द्वारा जो है धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और जो है वहाँ धर्म परिवर्तन जो अनैतिक तरीका से हो रहा है वो जो है बंद होना चाहिए। भुइया समाज में धर्म परिवर्तन हो रहा है जिस कारण से आज एसपी कार्यालय में आए थे और कलेक्ट्रेट में आवेदन जमा किए हैं, तो हम लोगों का मांग है कि जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है उस तरह से ना हो। जो राजेंद्र चौराट को धर्म परिवर्तन कराकर उसके शव को ईसाई समाज के द्वारा दफनाया गया है, तो हम लोगों से मांग है कि उसके दफनाए गए शव को हम वापस लेना चाहते हैं और अपने हिंदू आदिवासी तौर तरीके से कफन दफन करना चाहते हैं। चूँकि ये हमारे पास जांच में आया हुआ है, साथ ही उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि उस समाज के एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात एक धर्म विशेष के रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया गया है, अतः उसके मूल धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करने हेतु शव उत्खनन की भी बात उस आवेदन पत्र में दिया गया है। आवेदन पत्र को लेके जांच में रखा गया है और जांच के पश्चात अगर किसी प्रकार के संज्ञेय अपराध पाया जाता है तो उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण का मामला है, जशपुर से ये मामला सामने आया। कुंदन सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जशपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। कुंदन, ऐसे बहुत से मामले आते होंगे प्रदेश भर में और जो कहीं छोटे छोटे मामले बनकर दब जाते होंगे, लेकिन ये मामला बहुत चौंकाने वाला है क्योंकि भुइयर समाज के 7 परिवारों ने आरोप लगाया है और एक चर्च के फादर पर यह आरोप लगा है कि गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण हो चुका है बहुत से लोगों का। जी भरत, बिल्कुल, जो जशपुर जो है वहाँ धर्मांतरण को लेकर अक्सर नए नए विवाद सामने आते हैं। ये जो पूरा विवाद है ये मनोरा विकास खंड के खरकोना गांव का है और खरकोना वही गांव है जहाँ 1905 में पहली बार फादर लिंकन जो लंदन से थे उन्होंने 4 परिवारों का धर्मांतरण कराया था। और ये जो पूरा मामला है इसमें भुइयर समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि भुइयर समाज के 7 परिवारों का अवैध तरीके से धर्मांतरण कर दिया गया है और भुइयर समाज के लोगों ने जिले के कलेक्टर और जिले के एसपी को पत्र लिखा है और साफ तौर पर चेतावनी भी दी कि अगर इस पर जांच के बाद कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज और समझना चाह रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री का इलाका है ये, यहाँ पर धर्मांतरण की ऐसी खबरें अगर आ रही हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन का तंत्र है वो इन चीजों को सेंस नहीं कर पा रहा या सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि ये मामला भी तब सामने आया जब ज्ञापन सौंपा गया है। भुइयर समाज के लोग गए थे एसपी और कलेक्टर के पास, ज्ञापन सौंपा, तब ये मामला सामने आया। ध्यान इसका मतलब है कि नहीं रखा जा रहा आप ये धर्मांतरण के मामलों पर। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये कह सकते हैं भरत, क्योंकि ये जो मामला है कुछ दिन पहले भी भुइयर समाज के लोगों ने आरोप लगाया था, थाने में जाकर आवेदन दी थी कि एक राजेंद्र चौहान जिसकी आपातकालीन बिजली गिरने से मौत हो जाती है, ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा जबरन उसके माता पिता के मर्जी के बगैर भी उसका अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाज से कर दिया जाता है। उस वक्त भी भुइयर समाज के लोगों ने थाने में आवेदन दिया था कि उसके शव को वापस दिया जाए ताकि हम उसके शव का हिंदू आदिवासी कानून बनाए गए हैं कि धर्मांतरण को गैर कानूनी तरीके से किसी का ना करा जाए, कोई जोर जबरदस्ती इसमें ना हो, पर किसी तरीके से गुमराह करके ये चीजें चल रही हैं, इस पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।